और अब लास्ट में हम बात करते हैं क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिले की, ठीक है, जिसको हम क्लॉस्ट्रिडियोइड्स डिफिसिले भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये ए एंड बी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और ये डैमेज कर देते हैं इंटेरोसाइट्स को। जब इंटेरोसाइट को डैमेज करेगा तो जाहिर सी बात है हमको जीआईटी के मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। तो इंटेरोसाइट को कैसे डैमेज करता है, देखिए हम यहाँ पे लिख दिए कि बाय डैमेजिंग टू एक्टिन साइटोस्केलेटल, एक्टिन के साइटोस्केलेटल को ये डैमेज कर देता है, इस वजह से इंटेरोसाइट डैमेज हो जाती है। और जब इंटेरोसाइट डैमेज होगी तो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेंगे, तो बताया गया बोथ टॉक्सिन लीड टू वाटरी डायरिया। तो ए और बी दोनों वाटरी डायरिया कॉज करते हैं और इसी वजह से हमको स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस देखने को मिलता है। और इसके देखिए कॉज बताया जा रहे हैं, तो मोस्टली होता है ना ऑफेंस सेकेंडरी टू एंटीबायोटिक यूज, ठीक है, तो ऑफन ये सेकेंडरी टू एंटीबायोटिक यूज में देखने को मिलता है। और कौन कौन से एंटीबायोटिक, देखिए स्पेशली क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन को मालूम है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है और 50S राइबोसोम को इनहिबिट करती है। एम्पिसिलिन और सिफोलेस्पोरिन ये दोनों जो हमारी पेनिसिलिन है, और इसी तरीके से फ्लोरोक्विनोलॉन्स, तो ये सारे एंटीबायोटिक जो है ये जीआईटी के जो माइक्रोबायोटा है ना इनको डैमेज कर देती है, इनको हार्म पहुंचा देती है। इस वजह से यहाँ पे ये क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिली जो होता है आसानी से रह जाता है और ये कॉज कराता है स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है। तो ये हो गया और एसोसिएटेड विद पीपीआई, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से ये एसोसिएट होता है। और उसका फिर बताया गया कि फ्लुमिनेंट इन्फेक्शन, अगर फ्लुमिनेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो इसके लिए हमको टॉक्सिक मेगाकोलन भी देखने को मिल सकता है, इलियस भी देखने को मिल सकता है और शॉक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए बल्कि इसको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये इन सारी एंटीबायोटिक से हमको बचना चाहिए, प्रोलॉन्ग यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रोलॉन्ग यूज अगर इनका कर रहे हैं तो हमको क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिली के इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं कि ये कैसे याद रखेंगे, तो देखिए डिफिसिली कॉज डायरिया, तो डिफिसिली से हमको याद रखना कि डायरिया कॉज करेगा। और इसके डायग्नोसिस की बात की गई तो देखिए बताया गया कि डायग्नोस्ड बाय पीसीआर और एंटीजन डिटेक्शन ऑफ वन और बोथ टॉक्सिन इन स्टूल, तो या तो हम पीसीआर से इसको डिटेक्ट कर लेंगे या तो हम एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे, किसमें, स्टूल में, हो सकता है एक एंटीजन प्रेजेंट हो या दो एंटीजन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो एक टॉक्सिन के भी एंटीजन परसेंट देखने को मिल सकते हैं, दोनों के देखने को मिल सकते हैं स्टूल में। तो ये इसके डायग्नोसिस का मेथड हो गया। और ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए ओरल वैनकोमाइसिन हम इसमें देंगे, तो ओरल वैनकोमाइसिन देंगे इसमें हम, और फिडॉक्सोमाइसिन भी हम इसमें ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। और अगर ये रिकरेंट केसेस है ना तो कंसिडर रिपीटिंग पीरियड रेजिमिन, ठीक है, तो रिपीटिंग पीरियड रेजिमिन हम इसमें करेंगे या फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, तो फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट हम कर देंगे ताकि ये जो एंटीबायोटिक हार्म पहुंचाई थी इसके वजह से माइक्रोबायोटा डैमेज हो गए थे, तो हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे तो हमको इसका परमानेंट सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिली, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिनम, क्लॉस्ट्रिडियम परफिरिनिस, ये सब कंप्लीट हुआ, ठीक है, सबके बारे में बात किए। तो देखिए सबका अलग फीचर है, ये देखिए ये टिटनस कॉज कराता है यानी स्पास्टिक पैरालिसिस कॉज कराएगा, और ये देखिए ये इनहिबिटरी फंक्शन दिखाता है यानी यहाँ पे जो स्टिमुलेटरी न्यूरॉन होता है उसको इनहिबिट कर देता है यानी इनहिबिटरी फंक्शन, इसी वजह से ये फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज कराता है। और जबकि ये देखिए गैस गैंग्रीन मोस्टली कॉज कराता है, और ये फूड पॉइजनिंग भी कराता है उससे हमें उतना मतलब नहीं है, मोस्टली ये गैस गैंग्रीन कॉज कराता है। और उसके अलावा देखिए ये क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिली जो होता है ये हमारा डायरिया कॉज कराता है, और अगर इसको ट्रीट ना करें ना तो ये टॉक्सिक मेगाकोलन और इलियस और शॉक भी कॉज करा सकता है।